आज दिन तक की दुनिया की सबसे महंगी जमीन की जो परचेजिंग हुई वो सर हिंद फतेहगढ़ साहिब पंजाब में हुई। 4 गज का 400 करोड़ रुपया दिया गया और वो उस जमाने का किस्सा था। गुरु गोविंद सिंह जी के दो बच्चे थे, दो साहिबजादे थे, एक तो जोरावर सिंह जी थे, एक फतेह सिंह जी थे। उनको जिंदा दीवार में सुनवा दिया गया और उनकी माता थी गुजरी माँ, वो सहन नहीं कर पाई और वो डेथ हो गई। ये 12 दिसंबर 1705 की बात है। तो 13 दिसंबर को दीवान टोडरमल जी जैन गए वजीर खान साहब के पास, बोले वजीर खान जी मुझे ये जगह उनके अंतिम संस्कार के लिए चाहिए। तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो जमीन है, ये जमीन में जितनी आप सोने की मोहरे बिछाएंगे उतनी जमीन आपकी। तो सोने की मोहरे बिछाई गई। तो उन्होंने बोला नहीं, आप वर्टिकली बिछाओ, ज्यादा होगी। उसके मन में भाव जा गया, बोला वर्टिकली बिछाओ। तो उस समय 78,000 सोने के सिक्के बिछाए गए, यानी 780 किलो सोना, वो 4x4 गज में। 4x4 गज में। तो वो आप अंदाजा लगाइए कि उस जमाने में 4x4 गज के लिए 400 करोड़। उसमें दीवान टोडरमल जी जैन पूरा बिक गया, सब कुछ बिक गया, सब बिक गया। और ही वजह बैंक करप्ट। उसके बाद वो गुरु गोविंद सिंह जी के पास जब मिलना हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी की आंखों में पानी आ गया। उन्होंने कृतज्ञतावश पूछा दीवान टोडरमल जी को कि दीवान टोडरमल जी मैं आपका क्या कर सकता हूँ हेल्प, आपने इतना बड़ा मेरे ऊपर जो उपकार किया है उसका आप मुझे। तो उन्होंने बोला साहब एक वर दो मुझे। बोले क्या? आप शौक जाएंगे। उन्होंने क्या मांगा मालूम है? मेरे जीवन में मेरे बाद मेरा वंश खत्म हो जाए, मेरे कोई लड़का पैदा नहीं हो। एकदम सच्चाई है। बोले क्यों? बोले कोई ऐसी नस्ल पैदा नहीं हो जो आके बोले कि मेरे पुरखों ने यह जमीन बेची। बोला कोई अपना गीत नहीं गावे कि ये मेरा था। तो आज तो अपने चार ईंटे कहीं लगा देते हैं ना, तो अपने नाम लगाते हैं कि अपने पुरखे कैसे थे, अपने पुरखे कैसे थे जिन्होंने 400 करोड़ देने के बाद ये बोला कि नहीं मेरा कहीं नाम नहीं होना चाहिए। तो ये जो अपना अस्तित्व है ना, वाह, पुरखों के कारण है। आप अपने उनके